हेलो, चला लगेच फिल्डिंग लावून घ्या आणि बॅट्समन पाठवा ओपनिंग जोडी. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिनका आपने आवाज़ सुना हमारे नवी मुंबई के एक सर्वश्रेष्ठ समालोचक. पीटीपीएल हो, पाटन तालुका प्रीमियर लीग हो, या खासतौर पर देखा जाए 32 श्रृंखला की किसी भी प्रतियोगिता में हम खासतौर पर एक मधुर आवाज़ अगर जब तक ना सुने तो कॉम यहाँ पर वो टूर्नामेंट अधूरी होती है. यानी हमारे नीलेश मरडेकर सर जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, लंबे अरसे बाद उनसे मुलाकात, और निश्चित तौर पर एक सर्वश्रेष्ठ मखमली आवाज़ मातृभाषा मराठी में हमारे नीलेश मरडेकर सर, उनका आवाज़ हम सुनते नजर आए. मुकाबले की शुरुआत, और आप देख सकते इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका में एमपी, आप देख सकते यहाँ पर अंपायरिंग की भूमिका में मयूर पनालकर, नवी मुंबई के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी. एनएमपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन था, छोटी पारी थी लेकिन यादगार पारी थी. योगेश और हवा में बॉल, और पहली बॉल पर पहला झटका, कमाल का वहां पर एफर्ट देखने को मिलता हुआ. विकेट कीपर के स्थान पर कप्तान थे और आटुकड़े वाली टीम को मिलती भी पहली सफलता. चलो मागच्या मॅचचं मॅन ऑफ द मॅच पेंडिंग आहे आणि मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू आहे तुम्ही पाहू शकाल अमर. अतिशय चांगलं प्रदर्शन ज्यांचं राहिलं. अमरला विनंती असेल स्टेजवर या. प्रवीणजी शिरसाट आपले सर्वांचे लाडके, यांचं सोबत ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार अमरला आपण देऊ. या अमर, खूप चांगलं प्रदर्शन, पसीने से डूबे हुए, लेकिन कहते ना जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते, जो पसीने से नहाते इतिहास बदलते हैं. वेल डन अमर. चला अंपायर एक मिनट, मयूर मॅच थांबव साहेब. आटुकुडेवाडी मिनी कॅप्टन, तुमचा अजून एक्स्ट्रा प्लेअर आम्हाला दिसत नाही, मागे बसा आमचा. तो योगेश आउट हुए, गोल्डन डक के शिकार, एक ही गेंद फेस की और पहली बॉल पर विकेट आया. रमेश ने विकेट दिलाया. ओवर द विकेट, अगली बॉल, फुल टॉस गेंद, ये भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक है. ऑन साइड में मारना चाह रहे थे, गेंद बैट से लगकर आप देखते अब थर्ड मैन की तरफ जा रहा है, इससे पहले फ्लाई स्लिप की तरफ बॉल गया. तीन रन आए. चला मागच्या मॅचमध्ये जे आपण पाहिलं, खूप लहान प्लेअर आदित्य विकास आटुगडे यांना विनंती असेल, आदित्य यावरती तुमचा विशेष सन्मान होणार आहे. आदित्य यांना विनंती असेल मंचावर या. खूप लहान, सध्या लहान आहे, लेकिन यानंतर जे यांचे भविष्य कीर्तिमान असेल. एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ, बल्लेबाज आउट. तो आदित्य का यहाँ पर विशेष सम्मान होता हुआ आप देख सकते हैं. यहाँ पर आदित्य विकास अटुगड़े, आदरणीय सम्मानीय अरविंद बेंगड़े साहब यांचं सोबत तुम्ही पाहू शकाल विशेष सम्मान. अरविंद दादा बेंगड़े साहब यांचं सोबत तुम्ही पाहू शकाल आदित्य यांचं विशेष सम्मान. 32 शिरला असोसिएशन के हमारे संस्थापक आदरणीय सम्मानीय विकास आटोगुड़े साहब, उनसे विनंती प्लीज मंच पर आइए. विकास दादा यहाँ विनंती से मंच पर साहब. स्वराज्य 32 शिरला क्रिकेट असोसिएशन संस्थापक विकास आटोगुड़े सम्मानीय अमर बेंगड़े साहब यहाँ विनंती करना अपन आहोत अपने शुभ हस्ते विकास दादाचा विशेष सम्मान करून घ्या जे आपले संस्थापक आहे. काफी कड़ी मेहनत इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में किया है बेंगड़ेवाड़ी संपूर्ण टीम, अरविंद दादा बेंगड़े, अमर दादा बेंगड़े, संपूर्ण टीम,
कहते मुट्ठी तभी बंद होती जब उसमें पांच उंगलियां हो, जब तीन चार उंगलियां होती है ना तो मुट्ठी बंद कभी होती ही नहीं है, यानी जब तक सभी का सहकार्य ना हो, कंधे से कंधा मिलाकर जब टीम यूनिट होती है मौर्या स्पोर्ट्स बिंगड़ेवाड़ी की, तब इस प्रकार खूबसूरत आयोजन हम देख रहे हैं। धन्यवाद विकास दादा। तो मुकाबला शुरू है, मैच की तरफ फोकस करते हैं। छत्रपति इलेवन टुकड़ेवाड़ी मिनी और जय हनुमान स्पोर्ट्स पांचगनी, पांचगनी टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया है, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं अब तक। इस बार भी धीमी बॉल थी बैक ऑफ द लेंथ, लेकिन अंपायर का सिग्नल आता हुआ व्हाइट का, यानी एक एक्स्ट्रा रन जोड़ता हुआ बैटिंग टीम के लिए। पांचगनी टीम को कहीं ना कहीं एक अच्छे टोटल की तरफ जाना होगा, क्योंकि घड़ी की तरफ नजर डाले तो लगभग 11 बज चुके, बॉल ट्रेवल हो रहा पूरी तरफ। रमेश का ये लाजवाब ओवर रहा है। इस ओवर की अब तक बात करें तो ओवर कंप्लीट हुआ और अब तक पहले ओवर में रन खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 5 रन। वेल डन रमेश, कमाल की बॉलिंग, एक्सपीरियंस अनुभव और अनुभव का परिचय वहां पर दिखाया। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए और 2 बहुमूल्य विकेट अर्जित किया है रमेश ने। अटुगड़े वाली मिनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत। दरम्यान आपले सर्वांचे लाडके माननीय श्री पांडुरंग अटुगडे साहेबांना विनंती असेल मंचावर या, आणि त्यांचा विशेष सन्मान होणार आहे आपले मोर्या स्पोर्ट्स बिंगडी तर्फे, आणि त्यांचा सन्मान आपले सर्वांचे लाडके सागर दादा बिंगडे साहेबांचा शुभ हस्ते होणार आहेत। पांडुरंग मामा भांजे तुम्ही पाहू शकल, पांडुरंग अटुगडे साहेबांना विनंती असेल मंचावर या साहेब, सागर दादा बिंगडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते तुम्ही पाहू शकल विशेष सम्मान आलेला प्रत्येक मान्यवरांचा यशोदी सम्मान। अमोल आहे बॉलिंग मार्क पर, थोड़ा स्पीड अप करना है। यस फील्डिंग टीम आपके लिए पहली वार्निंग है, स्पीड अप करना आपको। अमोल आहे बॉलिंग मार्क पर, सामने स्ट्राइक पर बैटर गोरख। कप्तान ने जब टॉस बॉक्स में जुड़े थे गोरख का नाम जरूर उल्लेख किया था कि इनकी बैटिंग काफी अच्छी है और अच्छी बैटिंग करनी होगी इस मैच में। फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड की तरफ लॉफ्ट किया है गैप में, और देखना है यहाँ पर कि 4 है या 6, रन तो अवश्य मिलेंगे, अब देखना है कितने टोटल रन है। और यस कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री की तरफ गई है। यस अंपायर बाउंड्री है, यस एमपी। खराब गेंद अमोल की, फुल टॉस गेंद, अगर आप जूसी फुल टॉस देंगे तो कोई भी बैट्समैन नंबर 10 का भी बैट्समैन आएगा तो चौका ही लगाएगा। गोरख के बैट से 4, इस बार कट किया है, गेंद जाता हुआ थर्ड मैन की तरफ, पीछे खिलाड़ी जो थे शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की गेंद की तरफ दौड़ते हुए गेंद को फील्ड करने के लिए। अब तक 2 रन आया बैट से, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा और शायद 2 ही रन। पांचगनी टीम शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, रमेश की लाजवाब बॉलिंग रहा पहले ओवर में। अटुकड़ेवाड़ी मिनी टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे, नई बॉल के साथ उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए और विकेट था योगेश का और विक्रम का। अमोल की अगली बॉल दायां से ओवर द विकेट, इस बार बल्ले का बारी हिस्सा लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ जाता हुआ, आउटफील्ड थोड़ा तेज है और गेंद फरार होता हुआ बाउंड्री की तरफ और आता हुआ बैट से एक और चौका। कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक नहीं था लेकिन देखिए अब बैटिंग टीम को भी पता चल गया अब हटकर नहीं डटकर खेलना है, और वही करते हुए बल्लेबाज यहां पर गोरख। शुरुआती 3 गेंदों में अब तक इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं, एक अच्छा ओवर चाहिए था पांचगनी टीम को, अच्छा ओवर शायद ये हो सकता है क्योंकि 3 गेंदों में अब तक 10 रन आया है। स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका टोटल अब 15-15 रन, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन थे रमेश के ओवर में, लेकिन अमोल के ओवर में गोरख की अच्छी बैटिंग। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे जाकर बैट का फेस खोला, कवर पॉइंट की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन आता हुआ गोरख के बैट से। दूसरे की चाह थी लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लेवल दिखाना होगा क्योंकि हर बॉल पर आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगा। गोरख 1 रन आया, अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमोल। ये अच्छा यहाँ पर कॉन्टेस्ट अमोल वर्सेज अमोल, बॉलर भी अमोल बैटर भी अमोल है।
बैकफुट पे जाके इस बार जगह बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ यहाँ पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी दौड़ते हुए स्वीपर के, और दो रन आया है तीसरे के लिए दौड़े है, और देखते देखते तीन रन कंप्लीट। गुड रनिंग, विकेटों के बीच अच्छी दौड़, दबाव बनाया फील्डर पर और तीन रन पूरे किए, और इस तीन रन की मदद से अब बल्लेबाजी टीम यानी पांचगनी टीम का कुल स्कोर हो चुका है 19 रन 19। चौदह रन आए अब तक पांच गेंदों में, ये बड़ा ओवर अब तक का पांचगनी जय हनुमान स्पोर्ट्स पांचगनी टीम के लिए। ओवर द विकेट लास्ट बॉल, ओहो करारा शॉट, लेकिन पीछे डीप में खिलाड़ी है, इस बार गेंद को पुल किया था लेकिन पीछे डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है। 15 रन आए इस ओवर में, दो ओवर के खेल के बाद स्कोर है 20 जय हनुमान स्पोर्ट्स पांचगनी टीम का, दो विकेटों के नुकसान के बाद टोटल स्कोर 20। चाहिए चलते एक संगीत की तरफ, यस डीजे। त्यानंतर होणारा सामना तीन षटकांचा असेल, लवजी चव्हाण यांच्यासोबत टॉस होणार आहे, द ग्रेट शिवराय स्पोर्ट्स सयदवाडी आणि त्यांची मॅच असेल अगेन्स्ट कालेश्वर स्पोर्ट्स कालुंद्रे। चला कालुंद्रे टीमचे कॅप्टन आणि सयदवाडी टीमचे कॅप्टन टॉस साठी लगेच रेडी राहा, तीन षटकांची मॅच असेल यानंतर, आणि टॉस आपण करणार आहोत आपले सर्वांचे लाडके लवजी चव्हाण यांच्यासोबत। तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर मयूर जी पनालकर का इशारा था व्हाइट का, कमाल के क्रिकेटर आप देखते हैं एमपी मयूर पनालकर, जो अंपायरिंग की भूमिका में जॉब के साथ साथ क्रिकेट पर भी उतना ही ध्यान और फोकस, और आज एक मशहूर क्रिकेटर है मॉडर्न क्रिकेट की अगर बात की जाए तो, एक नवी मुंबई का एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मयूर पनालकर अंपायरिंग की भूमिका में, और आप देख सकते हैं उनके साथ लेजेंड क्रिकेटर ऑफ नवी मुंबई दत्ता मेहर एंड शशि मेहर, मेहर्स ब्रदर आप देख सकते हैं अंपायरिंग की भूमिका में, और उनका साथ देते हुए एक और हमारे सर्वश्रेष्ठ अंपायर पनवेल रायगढ़ क्षेत्र के दीपक बोराडे सर। शशि मेहर इनकी भी एक अलग ही रिकॉर्ड है, महापौर चषक 40+ के मैदान पर अगर बात की जाए वाशी के मैदान पर 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाने का कारनामा मेहर्स ब्रदर ने हमेशा किया है, यानी दत्ता मेहर शशि मेहर। नो बॉल का सिग्नल स्क्वेयर लेग अंपायर ने पकड़ा है, यानी इस बॉल पर टोटल रन होंगे 3। थ्रो बॉलिंग पकड़ी गई है, यानी बॉलर अब आने वाले इस टूर्नामेंट में तो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। 2 रन पेनल्टी 1 नो बॉल, यानी टोटल 3 रन ऐड किए जाएंगे बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में, और स्कोर हो चुका है 26। चला जास्त वेळ घेऊ नका, प्लीज विनंती असेल लगेच मॅच चालू करायचं। सन्माननीय अमरजी पाटील साहेब, अमरजी पाटील साहेब किरवडे यांना विनंती असेल मंचावर या, यांचा विशेष सन्मान होणार आहे, आलेला प्रत्येक मान्यवरांचा विशेष सन्मान आपले मोरिया स्पोर्ट बेंगडेवाडी तर्फे। अगली गेंद ओवर द विकेट, ये फ्री हिट बॉल है, ऑन दी अप खेला है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और कैच पकड़ते भी तो कोई फर्क पड़ता नहीं था बैट्समैन को, क्योंकि ये 6 रन आ रहा है और गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ के रीजन पे, हवाई सफर 6 रन। गोरख क्या बैटिंग कर रहे हैं, खूबसूरत पारी खेलते हुए बैकफुट पे टीम थी उसको फ्रंट फुट पर लाया है स्कोर कार्ड को। इस बार आगे की बॉल थोड़ा पीछे जाकर जगह बनाकर खेलना प्रयास कर रहे थे, रूम बनाकर धूम मचाने की कोशिश, लेकिन इस बार डॉट। अच्छी वापसी बॉलर सूरज की,
स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले, बैटिंग टीम का स्कोर हुआ है जय हनुमान स्पोर्ट्स पांच गेंद का 32-32, अब तक दो ही विकेट गिरे हैं। इस बार स्लॉट में बॉल थी, लॉफ्ट किया है, कैच बन सकता है इस बार, और अच्छा कैच, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की, वेल जज कैच और बड़ी विकेट गिरी है, गोरख आउट। चला लगेच टॉस साठी रेडी रहा, जसे ही इनिंग संपेल आपण टॉस करणार आहोत, दी ग्रेट शिवराय स्पोर्ट्स यदवाडी आणि त्यांची मॅच असेल अगेन्स्ट कालेश्वर स्पोर्ट्स कालुंद्रे, तीन षटकाची मॅच असेल, दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी रेडी रहा आणि या मॅचचा टॉस आपले सर्वांचे लाडके लवजी चव्हाण यांच्या सोबत होणार आहेत। रमेश ने अच्छी बॉलिंग की आज, फील्डिंग टीम के अगर बात की जाए, अटुगड़े मिनी टीम, संतोष कप्तान अब बल्लेबाजी करने आए, ओवर द विकेट सूरज, वो बॉल पड़कर थोड़ा नीचे रहा इस बार, लेकिन बैकफुट पे जाकर हल्का दिशा दिया है, गेंद जाता हुआ श्वेरिस थर्ड मैन की तरफ, तीन रन पूरे, गुड रनिंग, तीन रन पूरे किए गए। थर्टी फाइव स्कोर 35, इस तीसरे ओवर की आखिरी बॉल होगी ये, फेस करेंगे बैटर अमोल जो कि 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, ऑन साइड की तरफ इस बार खेला है, मिड विकेट पे खिलाड़ी है और उनको बीट करती हुई बॉल, ओवर की आखिरी बॉल पर 4 रन आता हुआ अमोल के बैट से, और इसी के साथ 3 ओवर के खेल के बाद जय हनुमान स्पोर्ट्स पांच गेंद टीम का स्कोर है टोटल अब 39। पोहोचत असेल तर तुम्हाला विनंती असेल, आपले अमर पाटील किरवडे यांना विनंती असेल मंचावर या, यांचा विशेष सन्मान होणार आहेत अमरजी पाटील। तर 3 ओवर के बाद 39 13 के औसत के साथ स्कोर कार्ड पे रन जोड़ा जा रहा है, जय हनुमान स्पोर्ट्स पांच गिनी, पहले बैटिंग करते हुए ऋषिकेश आखिरी ओवर लेकर अटुगड़े मिनी टीम की तरफ से, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है पहली बॉल और पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया गया, कप्तान संतोष के बैट से 1 रन था, दो ही बॉल अब तक संतोष ने फेस किया है, कमाल की बैटिंग कर रहे, 4 पर बैटिंग कर रहे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, और सामने उनके आप देख सकते हैं अमोल जो 6 रन पे बैटिंग कर रहे, योगेश और विक्रम जल्दी आउट हुए, लेकिन गोरख की अच्छी बैटिंग आज, वो ब्लॉक होल गेंद डालने का प्रयास, जड़ में डाला है बॉल, अच्छी लेंथ, अच्छी लेंथ, डॉट बॉल आया है, इक्कीस रनों की पारी खेली गोरख ने, स्टैंडेबल पारी थी, इंपैक्टफुल पारी थी, और वही वजह है कि टीम एक अच्छी स्थिति में, पांच गनी ओवर द विकेट, ये बॉल ऑन साइड की तरफ खेला है अलोंग द कारपेट, यानी डाउन द ग्राउंड शॉट था ये, और मिस फील्डिंग, देखिए जब आप जेल और तेल लगाकर आते हैं ना तो ये होता है, क्रिकेट में जेल और तेल नहीं, क्रिकेट में सही खेल चलता है, बैटर आउट हुए अमोल रन आउट के तौर पर, देखना है कि बेल्स को बॉल लगा था या नहीं, यस मयूर पनालकर वहां पर इशारा हमें देंगे वहां से सिग्नल, यस बैट्समैन नॉट आउट कि आउट है अमोल मयूर, बेल्स को बॉल लगाया नहीं था वहां पर, विकेट कीपर से हुई थोड़ी गलती, स्कोर है 42-42, आगे बढ़कर इस बार बड़ा शॉट खेला है, टाइमिंग अच्छी, हवा के साथ साथ घटा के संग संग लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, चार गेंदों में अब तक 9 रन आए इस ओवर में, आखिरी ओवर करते हुए ऋषिकेश, बैटिंग टीम का स्कोर हो चुका है 48, पांच गनी टीम ने जैसा कहा था
वैसा ही सिद्ध किया है। कप्तान ने कहा था 50 का आंकड़ा टच करेंगे और अब तक 48 हो चुका है। कैच भी छूटा है और रन भी लुटा है। जहां पर कैच होना चाहिए था वहां पर गरीबी में आटा गीला। 6 रन और खराब फील्डिंग। 50 पूरे 5 गिनेंगे। अमोल के बैट से 6 रन आता हुआ और इसी के साथ अर्धशतक टीम का पूरा होता हुआ। बैटिंग टीम का स्कोर हो चुका है 54-54। आखिरी बॉल इस इनिंग का। हुक किया इस बार बॉल को और यह भी चौका हो सकता था लेकिन अच्छी फील्डिंग। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी थे वहां पर श्रीनाथ और दोनों हाथों का साथ और अच्छी फील्डिंग श्रीनाथ की। तो आखिरी बॉल पर 2 रन स्कोर है 56 और टारगेट यानी बैटिंग टीम जब उतरेगी मैदान के अंदर आटोगुड़ेवाड़ी मेनी टीम उनको टारगेट दिया गया 57। 56 बने 57 का टारगेट। दरमियान अपने सर्वांश लड़के शिवसेना से एक कट्टर कार्यकर्ते सम्माननीय सुशांत जाधव साहब अपने सोबत उपस्थित आहेत आणि त्यांचा विशेष सम्मान अपने सर्वांश लड़के लक्ष्मण दादा बेंगड़े साहब यांना विनंती अपन करणार आहोत। सुशांत जी जाधव साहेबांचा विशेष सम्मान करून घ्या जे अपने शिवसेना से कट्टर कार्यकर्ते सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र मध्ये ज्यांचा मूल्यवान योगदान असतात आणि या स्पर्धेमध्ये मूल्य वेळ काढून अपने सोबत उपस्थित आले राहिले त्यांच्यासाठी मनपूर्वक आभार। सुशांत जी जाधव साहेब शिवसेना कट्टर कार्यकर्ते लक्ष्मण दादा बेंगळे यांचा सोबत ते तुम्ही पाहू शकाल विशेष सम्मान। थैंक यू सुशांत जाधव। तो चला यानंतर जाणार सामन्याचा टॉस आपण करणार आहोत सय्यदवाडी आणि कालुंद्री टीम। तो जैसे टॉस होगा टॉस बॉक्स में हमारे साथ जोड़ेंगे निलेश मडेगा सर। धन्यवाद। अगदी कॉम्बॉक्स मधून राष्ट्रभाषा हिंदीतून एक उत्तम समालोचक राष्ट्रभाषा हिंदीचे आणि ज्यांना अनेक स्पर्धेंना ज्यांची मागणी असते राष्ट्रभाषा हिंदीसाठी ते सचिन गिरी सर यांचा आवाज ऐकलात। आपण टॉससाठी जाऊया। मान्यवरांना विनंती करूया की आपण टॉससाठी चला। द्वितीय फेरीची मॅच आहे प्री क्वार्टर। दोन्ही संघांनी एक एक मॅच जिंकलेली आहे आणि हा टॉस आहे सय्यदवाडी विरुद्ध काळुंद्रे असा टॉस आपण करूया। दोन्ही संघांमध्ये आपण नाणेफेकीचा कौल करूया। सय्यदवाडी विरुद्ध काळुंद्रे असा टॉस आहे आणि प्रामुख्याने द्वितीय फेरीची मॅच आहे अर्थात प्री क्वार्टर। टीम काळुंद्रे टीम टॉसचा कॉल देईल। आपण कॉइन स्पिन करूया। छापा हा कॉल आहे आणि या वेळेला काटा आहे आणि टॉस जिंकलाय टीम सय्यदवाडीने। टॉस जिंकला या वेळेला निर्णय काय घ्याल? क्षेत्ररक्षण क्षेत्ररक्षण कराल। पाठीमागची मॅच तुम्ही चांगल्या रीतीने खेळलेली आहे अनुभव आहे। कुठपर्यंत रोखण्याचा मानस टीम काळुंद्री टीमला ठेवाल? 40 धावापर्यंत रोखण्याचा अनिश्चित कमीत कमी 40 धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न असेल। टीम काळुंद्री या टीमने देखील एक मॅच जिंकलेली आहे तुमच्याकडे देखील कॉन्फिडन्स लेवल थोडासा वाढलेला आहे। कुठपर्यंत धावांचं प्रलोभन या मॅचमध्ये ठेवाल? आम्ही 40 प्लस करू। 40 प्लस ग्राउंड पाहिलं तर गोलंदाज की फलंदाजांना नंदनवन आहे? तसं म्हणायला गेलं तर गोलंदाजांना नंदनवन आहे। अनिश्चित गोलंदाजांना पोषक असणारी ही खेळपट्टी आहे। दोन्ही संघनायकांना आपण मॅचसाठी खूप सारे शुभेच्छा देऊया। मान्यवरांचा आपण आभार मानूया आणि दोन्ही संघांना विनंती करूया की आपण मॅचची तयारी करा। पुन्हा एकदा जाऊया आपण 17 क्रमांक 2 कडे जिथे मॅच रंगली आहे। पहिल्या फेरीतली ग्रुप क मधली शेवटची मॅच आहे आटुकडेवाडी मेनी विरुद्ध पाचगणी। या मॅचचं धावतं विवरण पुन्हा एकदा राष्ट्रभाषा हिंदीतील एक उत्तम समालोचक ऐकूया आपण सचिन गिरी सरांचा आवाज। ट
थैंक यू सो मच नीलेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 57 का पीछा करने उतरी टीम, आप देख सकते हैं आटोगड़े वाड़ी मेनी, और उनके लिए किस्मत वाला है चौका लॉन्ग स्टॉप के रीजन में। यस डीजे, चार रन आते हुए बैटिंग टीम के लिए। सुशांत और ऋषिकेश ये जोड़ी मैदान के अंदर, 57 का टारगेट रखा गया है। इसके बाद जो अगला मैच सेदवाड़ी और कालुंद्रे के बीच खेला जाएगा, 3 ओवर का मुकाबला होगा प्री क्वार्टर फाइनल। लीडिंग एज और एक अच्छा कैच, पहली बॉल पर चौका, यानी पहले बल्ले से वार किया लेकिन फिर उसके बाद गेंदबाज ने आज शिकार किया विकेट। त्याच दरम्यान तुम्ही पाहू शकाल मंचावर आपले सर्वांचे लाडके अरुण दादा माने साहेब उपस्थित आणि त्यांच्या सोबत अरविंद दादा माने, दोन्ही मान्यवरांचा विशेष सन्मान आपले सर्वांचे लाडके अजय बेंगळे दादा यांच्या सोबत ते होणार आहेत। प्रथम अरुण दादा माने साहेबांचा विशेष सन्मान आपण करू। अजय दादा बेंगळे यांच्या सोबत ते तुम्ही पाहू शकाल, अरुण दादा माने साहेबांचा विशेष सन्मान होणार आहेत। फुल टॉस की बॉल थी, इस बार अच्छा शॉट खेला है, गैप में है, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए और पावरफुल शॉट, 4 रन आता हुआ आटोगड़े मानी टीम के लिए, मिनी टीम माफ कर। विशेष सम्मान अजय दादा बेंगड़े साहेबांचे हस्ते तुम्ही पाहू शकाल, आपल्या सोबत उपस्थित असणारे सन्माननीय अरुण दादा माने साहेब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, धन्यवाद। त्यानंतर अरविंद दादा माने साहेब आपल्या सोबत उपस्थित आहे, त्यांचा पण विशेष सन्मान होणार आहेत अरविंद दादा माने साहेब। आणि मी विनंती करणार आपले अजय दादा बेंगळे साहेबांना की आपल्या सोबत ते अरविंद दादा माने साहेबांचा विशेष सन्मान, आलेल्या प्रत्येक मान्यवरांचा विशेष सन्मान, ही स्पर्धा मोर्या स्पोर्ट्स बेंगळेवाडी, धन्यवाद अरविंद दादा, धन्यवाद माने साहेब। एक और विकेट गिरा है तो सूरज आउट हुए और बड़ा विकेट गिरता हुआ आटोगड़ेवाड़ी मिनी टीम के लिए अगर देखा जाए तो सुशांत आउट हुए, उसके बाद सूरज आउट हुए, ऋषिकेश है, लेकिन जो स्थिति पहले इनिंग में हमने देखा था पांचगनी का, वही स्थिति अब यहां पर भी, पहले ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे पांचगनी के। स्कोर की बात करें, स्कोर है टोटल 10, 47 रन और बनाने हैं आटोगड़े वाड़ी मिनी टीम को। विक्रम की ये तेज तरार बॉल, अच्छी लेंथ, डॉट बॉल आता हुआ, अच्छा ओवर अब तक रहा है, भले ही 10 रन खर्च किए लेकिन ये भी कहना होगा कि 2 विकेट चटकाया विक्रम ने, कमाल की बॉलिंग। और विकेट भी किसका, इनफॉर्म खिलाड़ी सुशांत और सूरज, इन दोनों का विकेट चटकाया है। और अब जीतने के लिए 18 गेंदों में आटोगड़ेवाड़ी मिनी टीम को चाहिए 47 रन, 18 गेंदे 47 रन। आने वाली 3 ओवर्स में अब जीतने के लिए ये समीकरण। मौर्या स्पोर्ट्स बेंगळेवाड़ी आयोजित प्रतियोगिता मौर्या चषक 2023, जिसका पहला पुरस्कार 25,000, उसके हमारे सौजन्य माननीय श्री कुमार दादा सावंत मालक प्रोप्राइटर कुमार कंटेनर सर्विस, अरुण दादा मोहिते साहेब सदस्य ग्राम पंचायत दामवड़े। रनर अप टीम के लिए 25,000 पुरस्कार है, जो कि जिसके स्पॉन्सर हमारे समाज सेवक सम्मानीय शंकर दादा मोहिते साहेब। तीसरे पुरस्कार की अगर बात करें तो 12,000, उसके हमारे स्पॉन्सर गोरख बेंगड़े दादा युवा उद्योजक और कर्णधार मौर्या स्पोर्ट्स बेंगड़ेवाड़ी के हमारे अजय जी बेंगड़े साहब।
चौथे पुरस्कार की बात करें तो 10,000 तानाजी सीडसट्स और अनिल जी पवार जो हमारे मालक विमल रोडवेज के और युवा उद्योजक तानाजी सीडसट। फुल टॉस बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को इस बार खेला है सामने की तरफ मारने का कोशिश और थोड़ी सी मिस फील्डिंग और गेंदबाज थोड़े नाखुश। नए ओवर की पहली बॉल यानी गोरख गणेश बॉलिंग करने आए उनकी पहली बॉल पर 2 रन आया है। 45 रन चाहिए अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए आटोगड़ेवाड़ी मिनी टीम को। 8 विकेट हाथ में गेंदे शेष 17। आगे बढ़कर ऑन साइड की तरफ खेला है रन आउट का चांस यस बैट्समैन आउट विकेट मिलता हुआ यहां पर एक और 5 गनी टीम को और अटुगड़े वाड़ी मेनी टीम के लिए एक और बड़ा झटका। आउट हुए बल्लेबाज इस बार ऋषिकेश बैक टू पवेलियन। कूलर स्पॉन्सर हमारे इस टूर्नामेंट के आप देखते कूलर स्पॉन्सर माननीय श्री राहुल शेलके भाई मैदान सौजन्य यानी मैदान स्पॉन्सर माननीय श्री राम यमगर साहेब हमारे दादा समाज सेवक माननीय श्री मच्छिंद्र खटिंग भाऊ युवा उद्योजक यूट्यूब स्पॉन्सर हमारे माननीय श्री तानाजी आटोगड़े जो मालक हमारे गावरान मराठा ढाबा के और युवा उद्योजक यूट्यूब स्पॉन्सर के हमारे माननीय श्री सचिन दादा पाटिल साहब टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी स्पॉन्सर्स समृद्धि सचिन गायकवाड़ और कुमारी अकीरा अरविंद बेंगड़े। फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास था गणेश का इस बार लेकिन वाइडिश मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे कप्तान संतोष वहां पर थे। संतोष की अब तक कैप्टनसी अच्छी रही है बल्लेबाजों को सही तरीके से पहले इनिंग में उन्होंने रोटेट किया गेंदबाजी में पहला ओवर विक्रम ने डाला 10 रन खर्च किए लेकिन 2 विकेट भी चटकाए ये भूलना नहीं है हमें। गणेश भी अच्छी बॉलिंग कर रहे अब तक देखिए पहले बल्ला पहले ही चला बैठे इस बार अंधाधुन फायरिंग करेंगे यानी बल्ला आप बिना देखे गेंद पर आप गेंद की मेरिट में आकर नहीं खेलेंगे तो डॉट बॉल ही होगा। बनी तो बनी नहीं अब्दुल गनी वैसा स्थिति। गणेश ओवर द विकेट एक बार फिर बल्ला पहले चल गया एक बार फिर वही गलती ऑफ साइड की बॉल को ऑन साइड में खेल रहे लेकिन गेंद की मिरिट में आकर नहीं खेल पा रहे। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन यानी हाथों और गेंदों का नजर गेंद पर होना चाहिए अच्छे तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे डॉट बॉल गेंदे होते जा रही है रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है 57 का टारगेट है अटुगड़े वाली मिनी टीम के लिए। गजब का ओवर एक और अच्छा ओवर गणेश का और अब जीतने के लिए यहां से आप देख सकते हैं रन बनाने हैं टोटल 12 गेंदे और चाहिए 44 12 गेंदे 44 का इक्वेशन। आइए सुनते एक सॉन्ग डीजे के माध्यम से सम्मान चिन्ह ट्रॉफी स्पॉन्सर हमारे माननीय श्री बलिराम बेंगड़े सर और समर्थ बेंगड़े जी बारह गेंदे 44 की आवश्यकता मिड विकेट की तरफ इस बार बॉल को खेला है 2 की कॉल है जोखिम भरा ये रन लेकिन 2 रन पूरे रिक्स में रिवॉर्ड मिला लेकिन अब तो रिक्स लेना होगा बैटिंग टीम को क्योंकि अब 11 गेंदों में 42 रन चाहिए। स्ट्राइक पर बैटर है अमोल और नॉन स्ट्राइक एंड पर श्रीनाथ शंकर ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए 5 गनी टीम की तरफ से मिस टाइमिंग स्ट्रोक इस बार अच्छी फील्डिंग ऑन साइड के फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की और बैट्समैन आउट खराब तालमेल एक और विकेट गिरता हुआ अटुगड़ेवाड़ी मिनी टीम के लिए।
बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट फील्डर बेस्ट बॉलर की ट्रॉफीज जो हम देख रहे हैं, चमचमाती हुई ट्रॉफी, उसके स्पॉन्सर टाइगर ग्रुप भिवंडी तालुका अध्यक्ष माननीय श्री संतोष सिरसट भाव, आकर्षक ट्रॉफी मेडल सौजन्य माननीय श्री किशन रामचंद्र मानुसकरे भाव। इस बीच आता हुआ एक सिक्सर, बड़ा स्ट्रोक चाहिए था और अटुकड़ेवाड़ी मिनी टीम के लिए यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक आता हुआ, छह रन। पानी स्पॉन्सर हमारे इस टूर्नामेंट के माननीय श्री मारुति मस्कर अप्पा, सत्कार सौजन्य माननीय श्री अमर बेंगड़े साहेब बॉस, नाश्ता सौजन्य माननीय श्री रोहित बिरडे भाऊ, बॉल स्पॉन्सर माननीय श्री गणेश शिवाले भाऊ समाज सेवक, और कूलर स्पॉन्सर राहुल जी शेलके भाई, स्टंप स्पॉन्सर विजय जी सावंत शिवदत्त स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी टीम के कैप्टन, बैट स्पॉन्सर माननीय श्री नीलेश पाटिल भाऊ, शूज स्पॉन्सर माननीय श्री संजय देवंगले भाऊ और अनिल जी बेंगड़े। 24 स्कोर 24। तैतीस और चाहिए यहां से, इस बार अंदरूनी किनारा लगा बैट का, इनसाइड एज और गेंद जाता हुआ यहां पर लॉन्ग लेग के रीजन में और दो रन मिल जाएंगे। ओवर कंप्लीट 26, 26 रन और अब जीतने के लिए 31 चाहिए यहां से, 31 रन चाहिए आखिरी एक ओवर में। वन साइडेड मैच, सुशांत और सूरज ने कोशिश अच्छी की शुरुआत में लेकिन जल्दी विकेट गिरा विक्रम के ओवर में, उसके बाद मानो बैटिंग टीम के बल्ले से रन निकल ही नहीं रहा है। पहले ओवर में 10 रन आए थे लेकिन उसके बाद पिछले 12 गेंदों में बैटिंग टीम ने रन जोड़े स्कोर कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ 16 रन, और यही वजह है कि इस मैच से दूर होती जा रही है अटुकड़ेवाड़ी मिनी टीम। हवा में बॉल, एक और विकेट की संभावना, विकेट कीपर बॉल के नीचे और कैच ड्रॉप। तीस रन चाहिए यहां से पांच गेंदों में, रिंकू सिंह बनना होगा यहां पर, डॉट बॉल। मात्र औपचारिकता बाकी है, अब चार गेंदे अब डालनी है अच्छी, और अब मुश्किल लग रहा है कि यहां से बल्लेबाजी टीम ये मैच जीत सकती है। एक और अच्छी बॉल जड़ में डाली थी, रन आउट का चांस और थ्रो थोड़ा सा वाइट था लेकिन अच्छी कलेक्शन, बैट्समैन आउट। एक और झटका लगता हुआ अटुकड़ेवाड़ी मिनी टीम को। त्याच दरम्यान आपल्यासोबत तुम्ही पाहू शकाल उपस्थित आहे कुर्ला कलीना उपाध्यक्ष वॉर्ड व क्रमांक वॉर्ड क्रमांक 90 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष सन्माननीय रोहित तो आपले सर्वांचे लाडके तुम्ही पाहू शकाल रोहन आसकर दादा आपल्या सोबत उपस्थित आहे आपले कुर्ला कलीना उपाध्यक्ष वॉर्ड क्रमांक 90 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष आणि त्यांचा विशेष सन्मान होणार आहे आपले सर्वांचे लाडके किशन बेंगडे दादा मामा ठाकूर यांना विनंती असेल आपल्या सोबत विशेष सन्मान करून घ्या आपले सर्वांचे लाडके रोहन नास्कर दादा। अरविंद जी अरविंद दादा बेंगडे
अरविंद दादा बेंगड़े साहबान विनंती अपने शुभ हस्ते रोहन आस्कर दादा कुर्ला कलीना उपाध्यक्ष वार्ड क्रमांक 90 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष विशेष सम्मान होते रोहन दादा आस्कट विशेष सम्मान युवा नेतृत्व वॉर्ड क्रमांक 90 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष अरविंद दादा बेंगड़े सोबत तुम्हें पाहू शकता सम्मान चिन्ह सम्मान चिन्ह से स्पॉन्सर बलिराम जी बेंगड़े दादा आणि समर्थ प्रकाश बेंगड़े।